वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। सो फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम का डे 6 खत्म होता है एंड गाइस बॉय ओ बॉय, काश इरफान खान ये देखने के लिए चाइना जा सकते या फिर एटलीस्ट इंडिया में होते। वेल फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा होता क्योंकि ये फिल्म हिंदुस्तान को चाइना में प्राउड कर रही है। सीरियस स्पीकिंग, हर एक दिन इसका वो नया रिकॉर्ड ब्रेक करता है और हर एक दिन इसकी कमाई की जो सीमा है वो बढ़ते जा रही है। और गाइस, जो इसे शोज मिल रहे हैं, काश बजरंगी भाईजान को इतने शोज मिलते हैं, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली उसको उतने शोज नहीं मिले। लेकिन गाइज, बहुत लोग हैं जो ये बोल रहे हैं, यू नो, बजरंगी भाईजान इसको कंपेयर कर रहे हैं। गाइज, कंपेयर करना तो दंगल के साथ करो, सीक्रेट सुपरस्टार के साथ करो। वाई कंपेयर विद बजरंगी भाईजान? मान, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो 3 साल पहले की फिल्म थी, द मोस्ट पायरेटेड फिल्म थी। और जितने भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बजरंगी भाईजान कम स्क्रीन क्यों मिले, यू नो, इतने हिंदी मीडियम को ज़्यादा स्क्रीन क्यों मिले, तो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं आपको बोलूंगा कि अगले हफ्ते, यस फ्रेंड्स, अगले हफ्ते मैं रिलीज करना चाहता हूं यहाँ पे लाइफ ऑफ पाई। ओके, लाइफ ऑफ पाई आपने देखी इरफान खान की? चलो वो जाने दो, बहुत पुरानी बात है, वो तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। चलो मैं अभी मुंबई की बात करता हूँ। कल मैं बोलूंगा मैं अवतार रिलीज करना चाहता हूँ, अवतार, जो इंग्लिश फिल्म आई थी अवतार, कल रिलीज करेंगे। ओके, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कितने शो दोगे उसको? एक अच्छे से पूछ रहा हूँ, कितने शो दोगे? 100-200, बहुत बड़ी पिक्चर है, अमेरिका में हिट हुई है, यहाँ पे इंडिया में 100-200 शो दोगे? वेरी गुड। अब मैं आपको बोलूंगा, चलो यार फास्ट एंड फ्यूरियस 8 रिलीज करते हैं, अभी 1 साल हो गया पिक्चर को, अब कितने शो दोगे? 1000 गारंटी। वही होता है गाइस, पुरानी फिल्म थी बजरंगी भाईजान, चाइना गई थी, कम शोज मिलेंगे, लोगों ने देख लिए थे, इसीलिए इसके बावजूद भी इतना अच्छा ऑलमोस्ट 296 करोड़ रुपीज कमाना बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, डे 6 के बारे में बात करते हैं ऑफ हिंदी मीडियम। चकदुम 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 ता। अब बोलोगे ये कौन सा गाना है, तो हिंदी मीडियम देखो यार, एंड में आता है गाना। सो फ्रेंड्स, आज के दिन हिंदी मीडियम ने कमाया है $1.73 million, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगर मैं $1.73 million को रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये होता है 11.22 करोड़, यस फ्रेंड्स, 11.22 करोड़। अब इसकी कमाई ज्यादा इसीलिए अच्छी आ रही है क्योंकि इसको तो शोज मिले हैं, सरप्राइज सरप्राइज, 63,300 शो लेके ये अपना छठवां दिन एंड करती है। और इसका जो ग्रैंड टोटल होता है, यस फ्रेंड्स, उससे पहले ऑडियंस देख लेते हैं कितने लोगों ने इसको देखा, इसके यू नो डे 6 में, डे 6 पे इसे देखा 3,65,350 पीपल, यस फ्रेंड्स, 3,65,350 लोगों ने हिंदी मीडियम को देखा ऑन इट्स 6th डे। वाह, व्हाट एन अचीवमेंट मैन। अब बात करते हैं 6 दिनों के ग्रैंड टोटल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसने कमाए हैं $22.71 million, यानी कि 22.71 million। अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 147.30 करोड़। अमेजिंग गाइस, 147.30 करोड़ इन अ मैटर ऑफ 6 डेज इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कॉन्ग्रेचुलेशन इरफान खान, अगर आप ये सुन रहे हो तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दे। और इनके बारे में कोई अपडेट्स आए तो बहुत अच्छा लगेगा गाइस, पता नहीं कोई अपडेट्स आ क्यों नहीं रही है, वी होप जहाँ भी हो वो खुश हो। तो फ्रेंड्स, एपिसोड पसंद आए और हिंदी मीडियम में कलेक्शन जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना है क्या जानना चाहते हो। इस एपिसोड को जितना हो सके लाइक करो। टिल देन, अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, डू व्हाटएवर यू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर। दिस इज मी अवनाश साइनिंग ऑफ, आई एम गोना सी यू टुमारो। टिल देन, एज ऑलवेज सेम, स्टे कूल मैन।